इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अलफला बैतुल माल एजुकेशनल वेलफेयर की जानिब से 10 साल मुकम्मल होने पर इजलास मुनक्किद किया गया था। इस इजलास को अंजुमन इस्लाम हॉल में मुनक्किद किया गया था। इजलास की सदारत जनाब अरशद मोमिन ने की थी, तो मेहमान खुसूसी साबिक एमएलए जनाब फिरोज सेठ रहे। दीगर मेहमानों में सदर अंजुमन जनाब आसिफ उर्रजु सेठ, सेक्रेटरी जनाब समीउल्लाह माड़ीवाले, मौलाना सलीम नदवी और दीगर मेहमानान शरीक रहे। जनाब अब्दुल गफूर घीवाले ने अलफला बैतुल माल की तमाम रुदात बयान फरमाई और अलफला का मेडिकल, एजुकेशनल और दीगर सामाजिक ताउन पर मुख्तसर अल्फाजों में रोशनी डाली। जनाब फिरोज सेठ ने भी अलफला के खिदमात को सराहते हुए इसमें और भी दीगर अवाम को जोड़ने की बात कही। जनाब आसिफ राजू सेठ ने अलफला बैतुल माल के 10 साल सफर पर इस इदारे को मुबारकबाद पेश की। इस वक्त बेलगाम शहर के मुख्तलिफ तंजीम इदारों के जिम्मेदारान को गुलपोशी, शालपोशी और मोमेंटो देकर उनके खिदमात को सराहा गया। खासकर कोरोना लॉकडाउन के वक्त जिन तंजीमों ने मेडिकल और दीगर खिदमात अंजाम दिए, इन पर मुख्तसर तबसरा करते हुए इन्हें एजाज से नवाजा गया। खासकर मदीना फाउंडेशन, जिसने ना सिर्फ कोविड बल्कि बाढ़ के दौरान भी खिदमात को अंजाम दिया, जिसके लिए मदीना फाउंडेशन के सरफराज संदी को एजाज से नवाजा गया। इसी तरह रहमान फाउंडेशन, जो हमेशा मुश्किल दौर में पेश पेश रहता है, बाढ़ कोरोना के दौर में तो कामों को अंजाम दिया ही है, बल्कि अक्सर मेडिकल कैंपों का भी एहतमाम करते रहते। बेलगाम में नुमानिया अस्पताल की भी इफ्तिताह जल्द होने वाली है, लिहाजा रहमान फाउंडेशन के जनाब हनीफ सिद्दीकी को एजाज से नवाजा गया। इसी तरह आलिकरा बेलगाम शहर का काफी पुराना इदारा, हमेशा मुश्किलात के दौर में आलिकरा के खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता, लिहाजा आलिकरा के लिए मशहूर सामाजिक खिदमतगार जनाब अब्दुल खादर घीवाले को एजाज से नवाजा गया। इसी तरह कोरोना के दौर में मीडिया के रोल को सराहते हुए इत्तेहाद न्यूज पैगाम इत्तेहाद को भी सराहा गया और हमें भी मोमेंटो, शालपोशी, गुलपोशी देकर हमारी इज्जत अफजाई की गई, जिसके लिए हम भी शुक्रगुजार हैं अलफला बैतुल माल के। अलफला बैतुल माल के कामयाब 10 साल का इजलास मुकम्मल हो गया। इस वक्त जंगू स्टील के इब्राहिम शेख जहीर संदी की भी गुलपोशी फरमाई गई। दिगर जिम्मेदारों में शकील बागलकोटी, उबैद कोतवाल, शरीफ शेख, सादिक नदाफ और भी दिगर जिम्मेदारान मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।